नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बलिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इलाहाबाद बैंक के गेट के पास से पुलिस ने एक टप्पेबाज गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर 3,20,000 रुपए बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि बिहार के पटना के रहने वाले गिरोह के तीनों लोग बलिया शहर के बैंकों पर भोले भालो ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर बड़े नोटों को बड़ा नोट बदलने के बहाने या बैंक में फॉर्म भरने के बहाने कन्फ्यूज कर उसके पैसे चुरा कर भाग जाते हैं। शहर के 3 ग्राहकों की पुलिस में शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी पहचान कर गिरफ्तार किया है। 20 तारीख को एक गिरोह के 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो एसेंशियली बैंक के अंदर या बाहर खड़े होकर लोगों को, भोले वाले लोगों को बेवकूफ बनाते थे। उनसे बातचीत करके उनके बड़े नोटों को छोटे नोटों में बदलने के लिए या छोटे नोटों को बड़े नोटों में बदलने का प्रयास करते थे और उनको कंफ्यूज करके उनके पैसे उनसे चुरा के ले जाते थे। अभी इन लोगों से 3,20,000 रुपए बरामद हुए हैं और हमारे यहाँ कोतवाली नगर में जो 3 पीड़ित थे उनके द्वारा इस संदर्भ में मुकदमे भी दर्ज कराए गए थे, उसी में इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें बैंक के अंदर के भी हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस भी मिले हैं, जिससे भी इनकी पहचान हुई है। और जैसा अभी तक पूछताछ से समझ में आया है, इनका गिरोह काफी बड़ा है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। मूलतः ये पटना निवासी हैं सर, यहाँ आके बैंक्स के बाहर इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। बैंक्स के अंदर भी कभी कभी घुस के लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो उनका फॉर्म भर देंगे या उनको मदद कर देंगे नोट विड्रॉल में, और उसी में इस तरह की ठगी करते हैं। ये सब बलिया से हमारे संवाददाता नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की खास रिपोर्ट।